हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मेरे चैनल में। और अब मैं आई हुई हूँ, दो दो दिन से मैं गांव आई हुई हूँ, तो मैं सारे ब्लॉग गांव के ही डाल रही हूँ। और मेरे बच्चे यहाँ बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो खेती लगी हुई है ना, सारी गेहूँ की खेती लगी हुई है, सारी की सारी दूर तक गेहूँ की खेती है। और ईख भी लगी हुई है पीछे, अभी दिखाऊंगी आपको। और मेरा आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चाय गरम चाय गरम। तुम्हें तो मिलेगी ना। घर हो गए, यही जाएगा, अंदर ही जाएगा। चलो टेंट का सामान आ गया। टेंट का सामान आ गया, टेंट लगेगा ना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे गांव में आके। ये भैंस वगैरह को, ये छोटे बच्चे को लेके चल रहा है, ये भैंस का छोटा बच्चा है ना, लेके चल रहा है। और ये परी ने इसको ले रखा है, और ये भैंस है। बच्चे यहाँ के बहुत ही ज्यादा खुश है। परी कैसा लग रहा है? अच्छा, मस्त, बढ़िया। तो यही रहना है, घर ही चलना, यही रहना फिर। हाँ यही रहना। दक्ष तू उसको दीपो, बच्चा परेशान हो रहा है तू। ठीक है देखो, दीपू मेरा बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। दक्षु यही ले लेते हैं, ठीक है। दो दो भैंस ले लेते हैं, एक बच्चे। और तू ऐसे डंडी पल्ला, तो पल्ला से डंडी मारो। हाँ डंडी मारो। और बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत ज्यादा। ये गोबर के उपले वगैरह यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, सारे ये बना देती हैं। जो गांव की लेडीज वगैरह होती है, जो भैंस पाल रखी होती है, वो सब ये गांव के उपले वगैरह बना देती हैं। ये नीचे चूल्हा जलता है शाम को, और इन्हीं से रोटी बनती है जब ये सूख जाते हैं तब। और सारा का सारा यहाँ पे फसल ही फसल मिलेगी यहाँ पे सब तरफ। और जो गाँव का कल्चर होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। बहुत दिल्ली से भी काफी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब हम यहाँ से चल रहे हैं ईख देखने, ईख देखेंगे, और ये हमें दिखाएंगी ईख। इनको पता है ईख का रास्ता किधर से है। तो अब ईख देखने चल रहे हैं, जहाँ गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ना को ईख कहते हैं ना, वो देखने चल रहे हैं। तो यहाँ पे ना सामने ना वो गाय आ गई है, वहाँ पे बहुत डर लग रहा है, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। वो जो हमारे साथ जो लड़की अभी आई थी, वो गाय को भगाने गई, और उनके सींग बहुत बड़े बड़े थे ना, तो आगे जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि डर लग रहा है ना, इसलिए। तो वहां ना वो गाय भगा दिया। अब चलो आगे चलते हैं, अब दिखाएंगे ईख वहाँ की। और ये खेत कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे। और हमारे खेतों में यहाँ पे गेहूँ लगे हुए हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे गाँव में आके। और अब जा रहे हैं ईख की खेती देखने के लिए। और ये बच्चे मानते नहीं है, बार बार ये गेहूँ के पत्ते तोड़ लेते हैं। क्या किसान देख, जो जिनका खेत है वो देख लेंगे। कुछ नहीं करेगा अगर तू आ गए। चलो 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 इसको पॉटी आ गई छोटी वाली को। और ये खेतों में कर भी नहीं रही है, कह रही है घर जाके ही करनी है मेरे को। दिल्ली की छोड़ी तो जाते ही थे हम। तो यहाँ से हम सारे उल्टे चल लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉटी आ गई है इनको, और खेत में उसने करी नहीं। अब जा रहे हैं घर पे। और जी बच्चे हैं देखना, ये क्या कहते हैं इसको, लहा, लहाया। यहाँ पे ना ये लहा खड़ा है, लहा कहते हैं, यानी कि सरसों कहते हैं, मतलब हम लोग सरसों कहते हैं यहाँ। मतलब इनका ना वो तेल निकलता है ना जो सरसों का, वो लहा है ये। अभी फूल आ रहे हैं, मतलब अभी तेल नहीं निकलेगा, अभी पकी नहीं है ना ये। नहीं अभी नहीं पकी है ना, अभी ये सूखेगी उसके बाद। मतलब ये लकड़ियाँ है ना, कौन सी वाली, ये क्या कपास है?
कपास भी होती है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये लाह खड़ा है जो मैंने बताया, और यहाँ पे कपास, कपास की ये सूखी सूखी डंडी पड़ी है ना, ये सारी कपास है। और पीछे है ना वो उपले रखने की, वो है ना उपले रखने का। हाँ हाँ। और ये ना ये यहाँ पे ये बना हुआ है यहाँ पे जी, बटोरा कहते हैं यहाँ पे। बटोरा ये बटोरा है, ये जो है ना कंडा रखते हैं, कंडा रखते हैं ये लोग, मतलब गांव के ये जो लोग होते हैं ना बटोरा कहते हैं, और इसे कंडा रखते हैं, इसमें कंडा कंडा, और दिल्ली में कहते हैं उपला वो चीज। तो यहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है गांव का, बहुत सारा अच्छा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। यहाँ देखिए दक्षिण छोड़ के आ गया, जिसको पोल्ट्री आई थी उसको छोड़ के आ गया यहाँ पे, आप जा रहे हैं आगे खेत देखने, आशी को छोड़ के आ गया खेत देखने जा रहे हैं आगे। निकलेंगे खोदे हैं यहाँ पे, ये आलू है आलू। ईख की खेती देखने जा रहे हैं, काफी दूर है यहाँ से, दिखाई नहीं दे रही अच्छी तरह से, तो उसके पास से देख के आएंगे ईख। और काफी अच्छा लग रहा है गांव में आके, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये सारे लगे हुए, ये कोई घास लगी हुई है, पता नहीं कौन सी लगी हुई, मुझे नहीं पता। और बाकी यहाँ पे गेहूँ की खेती ज्यादा हो रखी है इधर की साइड, हमारी साइड, और सरसों हो रखी है ज्यादा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, और आप भी इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये लाल पत्ते देखिए, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ, काफी अच्छा फ्लावर है, बहुत अच्छा फ्लावर लगा हुआ है, ये एकदम रेड कलर का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे मोर बैठे हैं, बहुत सारे मोर बैठे हैं, मोर देख रहे हैं, पास से जाके देखेंगे, मोर बैठे हैं काफी सारे। और ये आलू का खेत खड़ा है, इसमें आलू मतलब नीचे नीचे जमीन में भी आलू खुदे नहीं है, आलू है इसमें अंदर खुदेंगे जब आना तो मुझे। हाँ, ये अभी खुदे नहीं है ना, अभी नहीं खुदे। हाँ, वहाँ मोर बैठे हैं छत पे, मोर बैठे हैं, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। पेड़ पे ओए बैठ गए, ओए ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, एक मोर ये बैठा है, ओए ये भी गया ऊपर, कैसे उड़ते हैं वो बैठे, ये ज्यादा तेज उड़ नहीं सकते, ये तुम्हारी आवाजों से ऊपर जा रहे हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए सारे मोर बैठ गए यहाँ पे आके एकदम से ही, वाह ये लोग तो अच्छा जाए। बाबू के कुत्ते कहाँ पे है, देखो पल्ली है क्या, यहाँ पे तो बहुत से पल लगे हुए हैं, अभी इनमें आलू अभी खुदाई नहीं हुई है, आलूओं की अभी होगी। और यहाँ पे एक कपास की खेती भी होती है, ये कपास है यहाँ पे, इतनी सारी कपास है ये, यानी कि जो रुई बनती है ना वो चीज है ये, इसकी खेती होती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पता नहीं मुझे कौन सी खेती लगी हुई है, और समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हुई है, तो बस समझ में नहीं आ रहा क्या लगा हुआ है। पालक दो गुलाब रख दे, सारे बैगर बैंगन लगे हैं, दो बस की वीडियो बना लो। भाई यहाँ बत्तख तैर रही है, कहाँ है बत्तख, वो कोने पे देखो ना। हाँ बत्तख है, हाँ सही है, बत्तख है ये। हाँ ये हाँ बत्तख। तो यहाँ पे घूमते घूमते काफी दूर निकल आए, और अब तो पैर दर्द कर गए, चलो वापिस से, कितनी दूर है पहाड़ी चलने, पहाड़ी चलने के चक्कर में तुम्हें मेरे पैर दर्द करवा देगा बहुत ज्यादा। मैं बाद में आऊंगा, मतलब तू पहाड़ी देख के ही आएगा। हाँ, 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 चल हाँ, ये पहाड़ी देख के ही आएगा ये, इसको पहाड़ी देखनी है, और मेरे पैर दर्द कर गए, इसको भी देखनी है आगे तो यहाँ पे ना हम एक गांव से दूसरे गांव आ गए, लेकिन जहाँ जा रहे थे वहां तो पहुंच नहीं पाए, वापिस आ गए, बहुत लंबा रास्ता था, पैर दुख गए सारे घूमते घूमते गांव के, एक गांव से दूसरे गांव घुसा घुस के आ गए। और ये सारे खेत गेहूं वापिस चल रहे घर पे, कौन बोल रहा है, चलो आगे चलो दीदी, अब घर चलेंगे बेटा, अब घर आप ना, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। ये गेहूँ ये सरसों लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है सारा। और गांव से बाहर आ गए थे, दूसरे गांव में आ गए थे, गंगापुर गंगापुर आ गए थे, यमुनापुर जाना था, यमुनापुर। तो चलो अब घर चल रहे हैं, आपको जाना था गंगापुर आ गए।
ट्वेल्व देखने, ट्वेल्व देखने, चलना तू भी चल ले। पानी भी आ गए, मीठा है। हटी हटी दक्ष हट, ये देखो यहाँ पे ट्वेल्व चल रहा है। दक्ष पानी मत पियो, पानी मत पियो, यहाँ पे थोड़ा फिर भी मीठा मीठा आता है पानी। यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है, ये ना ये ट्यूबवेल का पानी बड़ा प्रेशर से आ रहा है। चलो ये मसूर की ना दाल होती है ना, उसके पौधे हैं। चुई मुई का है, चुई मुई तो ना है यहाँ पे, चुई मुई तो ना उगाते हैं। ये सब दाल के पौधे हैं ये। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर पे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर आ चुके थे और यही सब खेत वगैरह हमने देख लिए और अब हम थक चुके हैं और जा रहे हैं अब घर पे, खाना खाना है। तो आज का ब्लॉग मेरा आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा खेत, मेरे गांव कैसा है। यहाँ पे सरसों वगैरह कैसी लगी आपको, मेरा गांव का जो ब्लॉग है कैसा लगा आपको, और मेरे बच्चे यहाँ के बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। तो अगर मेरा आज का ब्लॉग आप एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का ब्लॉग कैसा था।